क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये एपी दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद समझना ये सबसे बड़ी बात है। देखो आपको कह रहा है कि चेक कीजिए, ठीक है, चेक कीजिए कि -115 किस टर्म का है, इस एपी का किस टर्म का, मतलब किस टर्म पर आता है, यानी कि एन का किस नंबर पर ये आता है -150, ठीक है, ये हमें पता करना है। यानी कि एक बात इसमें बता दें कि ये जो हमारा दिया हुआ इसको मान सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है, कि लास्ट टर्म जो है ये एन के किस नंबर पर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं दिया हुआ है तो एपी जब ये है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 11 और डी कितना जाए तो 8 में से 11 चला जाए, तो बताइए इसका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो इसका आंसर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं, तो कम में से जब भी ज्यादा को घटाते हैं तो उसका चिन्ह माइनस होता है, तो 8 में से 11 घटा रहे तो -3, डी का वैल्यू आ गया ये। हमें ये नहीं पता करना था, हमें पता करना है एन, हमें एन पता करना है, ठीक है। तो लगाते हैं ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूला है तो ये हमारा 150 -150 और ए का वैल्यू 11, एन तो फाइंड आउट ही करना है, डी का वैल्यू आ गया -3। अब ये इधर माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, दोनों का चेंज माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो गया, सबट्रैक्ट हुआ तो दोनों ऐड होगा, क्योंकि ये भी माइनस में और 11 भी माइनस में, तो दोनों का ऐड हो जाएगा और इधर है और ये इधर, जैसे वैसे इसको एक बार लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा, अब दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाते कितना हो जाएगा 161 माइनस में हो जाएगा और ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये और ये कैंसल, यानी कि एन माइनस वन, और ये पूरा कटेगा नहीं, पूरा कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका एन का जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाला है फ्रैक्शन में, ठीक है, एन का वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगा। तो आप ही खुद सोच करके देखिए कि ये सब हमारा नंबर ऑफ टर्म होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल आपको लेते हैं, जैसे कि हम बोल दिए कि ये सब एपी में है, ये हमारा एपी है, ये तो जो नंबर है वो तो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, वो हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो ये हमारा जो टर्म एन है वो फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि ये 100 -150 है, ये एपी के किसी जगह पर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ से खत्म। तो ये ही इसका सॉल्यूशन था और इसमें कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 7 की 31वां टर्म एपी का कौन सा होगा, ठीक है, 31वां टर्म एपी का कौन सा होगा या क्या है जिसका 11th टर्म दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73, ठीक है। तो इसमें देखिए ये पहले तो इसका क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना है ये जब भी ऐसे लिखे, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो और इसको हम आपको बता चुके हैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है कि आप बता सकते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो ये तो फॉर्मूला है हमारा, इसको रेड से लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर एन के जगह पर कितना है, तो एन के जगह पर 31 है और यहाँ पर 31 रखेंगे तो 31 में से एक चला जाएगा तो 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा डी। तो यहाँ हमेशा जब ऐसे लिखते हैं तो एक कॉम करके लिखते हैं, क्यों, क्योंकि n माइनस वन होता है तो वही एक कॉम होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें निकालना है, ये हमें बताना है, तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, जबकि इसमें a और d कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ काम की चीज दे रखा है, काम की चीज ये है कि a 11th दिया हुआ है 38। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए और क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया हुआ, और आपको दिया हुआ है ए 16th, ये आपको दिया है 73, ये दो चीजें काम की चीज है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम ए 11 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए 11 को अभी बताएं कि यहाँ पर 11 है तो क्या लिखेंगे,
तो लिखेंगे इसको a प्लस टेन डी, बोले ना ए कम करके क्यों होता है आप जानते हैं, बता चुके हैं। इसको मान लेंगे वन, फिर इसको भी लिखेंगे ऐसे a प्लस सोलह है तो पंद्रह डी, ठीक है ये हो गया सेकेंड। दोनों को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक दोनों को सॉल्व करेंगे तो चेंज हो जाता है चेंज, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो सब जगह यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये वाला हमारा खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया। अब चिन्ह बदलने के बाद ये पंद्रह का चिन्ह प्लस नहीं बल्कि माइनस हो, क्योंकि बदल दिए तो इसका माइनस हो जाएगा, तो अब घटा देंगे दस में से पंद्रह जाएगा तो कम में से ज्यादा घटा रहे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस पंद्रह डी, यहाँ भी कम में से ज्यादा को घटा रहे तो ये भी आना चाहिए माइनस में, तो ये तेरह में से आठ जाएगा तो पांच, फिर छह में से तीन जाएगा तो तीन बचेगा, ये माइनस में आएगा। अब ये और ये कैंसिल, कितना बार माइनस भी कैंसिल और नंबर भी कैंसिल, तो हो जाएगा सात, पांच सात पैंतीस, डी का वैल्यू कितना आ गया सात। चलिए एक तो हमें पता चल गया डी, अब ए पता करना है, तो डी का वैल्यू किसी भी में रख दीजिए वन में या टू में, आपका आंसर वही आएगा। तो अगर हम डी का वैल्यू रख देते हैं वन में, तो देखिए समीकरण वन दिया हुआ है, ये यहाँ पर डी का वैल्यू रख दिए सेवन, ठीक है ये कितना हो जाएगा सत्तर। अब सत्तर को इधर ला देंगे तो हो जाएगा इकतीस माइनस सत्तर बराबर ए। अब बताइए कि 38 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करना तो चिन्ह आएगा माइनस में, कम होगा घटेगा लेकिन आएगा माइनस में, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से आठ जाएगा दो और 6 में से तीन जाएगा तो आएगा तीन ए, यानी कि ए बराबर आ गया हमारा माइनस 32। दोनों को पता चले तो ये वाला आराम से निकल जाएगा, तो इसको निकाल देते हैं, ए 31, ए का वैल्यू आ गया माइनस 32, सही किया ना, इसमें सही है माइनस 32 और प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू है 7। अब इसको करेंगे माइनस 32 प्लस 21 इतना आ जाएगा। अब ये देखिए अब यहाँ पर एक चिन्ह माइनस में और एक चिन्ह प्लस में है, ठीक है, और ये प्लस वाला बड़ा नंबर है तो यानी बड़ा में से छोटा को घटाना है तो प्लस में आएगा, तो 210 में से 32 चला जाए तो कितना आएगा, तो 210 में से 32 चला जाएगा तो बचेगा 8 या 0 गया 71 यानी कि 178 ए 31 ये हमारा आंसर। इसमें कहीं दिक्कत है देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर निकालना था 31वां टर्म निकालना था जबकि दिया होता है 11वां टर्म और 16वां टर्म, यह आपके काम के लिए दिया था ताकि आप इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को फिर से पुट कीजिएगा इक्वेशन में तो आपका दूसरा का भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन देने का मकसद इसका ये है कि इसमें थोड़ा सा और लंबा लग गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है, मिलते हैं।